और जब आपका वीजा वगैरह लग जाएगा और आप पोलैंड में आ जाओगे उसके बाद आप आजाद हो, कोई आपसे पासपोर्ट नहीं लेने वाला। शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया, चाहे आपका इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश किसी भी कंट्री से आपका ताल्लुक है तो आप पोलैंड आ सकते हैं शेंजेन वीजे के ऊपर। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने यूरोप कैसे आना है। इस वीडियो में मैं आपको बताने लगूं कि पोलैंड जो कि एक शेंजेन कंट्री है, जर्मनी के बहुत आसपास है, तो उसके साथ वो अपना बॉर्डर भी शेयर करता है जर्मनी के साथ। तो बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि भाई हमें कोई चीज़ बता दे कि हम भी यूरोप आ सके, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। जो लोग यूरोप में आना चाहते हैं तो ये पूरी वीडियो देखिएगा, ओके। और ये किन लोगों के लिए, एक एक चीज़ आपको बताने लगाऊँ, और इसमें एज का भी आपको बताऊंगा और क्वालिफिकेशन का भी बताऊंगा कि जिस इंसान की एजुकेशन कम है क्या वो भी पोलैंड आ सकते हैं कि नहीं। और ये एजेंसी आपके पोलैंड आने का सारा काम करवाएगी, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग मुझसे पूछते हैं कि यार कोई ऐसी एजेंसी है या कोई ऐसी चीज़ है जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं जो हमारे वीजे का काम करती है, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर तो आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें, और मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जिसको रिप्लाई नहीं आता मैं बार बार कहता हूँ, दोबारा मैसेज किया करो। आपको यार कोई यूट्यूबर फ्री में रिप्लाई नहीं देता, तो मैं सबको यार फ्री ऑफ कास्ट देता हूँ क्योंकि आप लोग मुझे प्यार बहुत देते हो। तो हाँ, लेकिन देरी हो जाती है, रिप्लाई तो सबको ही आएगा लेकिन यार थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। और मसला एक ये है कि मैं जिसको रिप्लाई दे देता हूँ वो रोज़ मैसेज करते हैं, मैं उनको मना करता हूँ लेकिन वो बाज नहीं आते, तो एनीवे इस वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो जी, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि कौन से लोग इस वीज़ा को हासिल कर सकते हैं, मैं एज भी बता देता हूं, और ये तो मैं थोड़ा एंड में बता देता हूं वीडियो के आखिर में कि ये कौन सा वीज़ा है, ये जो एजेंसी है ये आपका कौन सी कैटेगरी का पोलैंड या लैथविया का वीज़ा अप्लाई करेगी, ये मैं बाद में आ देता हूं। लेकिन पहले जो आप लोगों के क्वेश्चन है मैं उसको क्लियर कर दूं। इसमें एज का कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, अगर किसी इंसान की एज 40 साल से कम है तो वो ऑफकोर्स अप्लाई कर सकता है, 40 साल से ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मीन कि उसके इतने हाई लेवल के चांसेस नहीं होंगे वीजा लगने के, लेकिन ट्राई तो कर ही सकते हैं ऑफिसली। और अभी मैं इस वीडियो में ये भी आप लोगों को क्लियर कर दूं, अगर आपकी एजुकेशन इतनी हाई लेवल की नहीं है फिर भी आप इस वीजे को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये वीजा सीखने वाला वीजा है। मिसाल के तौर पर ये किस कैटेगरी का वीजा है ये भी मैं आपको बता दूं, आप पोलैंड में जाएंगे पोलिश सीखने, पोलैंड की लैंग्वेज को हम पोलिश बोलते हैं, तो आप वहाँ पे कुछ फाउंडेशन कोर्स होते हैं, आप सीखने के लिए जा रहे हैं, तो सीखने की कोई उम्र भी नहीं होती नॉर्मली देखा जाए तो। और इस वीजा को हासिल करने के लिए ऑब्जेक्शन के जो रेट होते हैं वो बहुत कम होते हैं, मोस्टली चांस होता है कि आपका वीजा लग जाता है पोलैंड का। वो स्पॉन्सरशिप भी करते हैं पोलैंड से आपको कि हाँ ये बंदा इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से पोलैंड में आ रहा है, तो वो आपको स्पॉन्सरशिप भी करते हैं। और फाउंडेशन कोर्सेज वगैरह इसके ऊपर आप थोड़ी रिसर्च भी करें तो आपको पता चल जाएगा ये किस कैटेगरी का वीजा है। शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया है, चाहे आपका इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश किसी भी कंट्री से आपका ताल्लुक है तो आप पोलैंड आ सकते हैं शेंजेन वीजे के ऊपर, और वहाँ पे आपको कोर्सेज वगैरह करनी होती है। लेकिन ये सिर्फ एक दरवाजा है, ये मैं अभी आप लोगों के दिल की बात आपको बता दूं, सिर्फ ये एक दरवाजा है पोलैंड। अगर आप पोलैंड आ गए तो, क्योंकि लोगों को डॉक्यूमेंट्स के लिए पुर्तगाल में जाना है, किसी को स्पेन में जाना है, तो ये सिर्फ एक दरवाजा है लैथविया और पोलैंड, ये सिर्फ एक दरवाजा है यूरोप में एंट्री करने का। अगर आप यहाँ आगे आगे से आप जर्मनी जाएं, फ्रांस जाएं, स्वीडन जाएं, जहाँ चाहें आप जा सकते हैं। और उस एजेंसी का काम क्या होगा, वो आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका वीजा वगैरह अप्लाई करेंगे, और जब आपका वीजा वगैरह लग जाएगा और आप पोलैंड में आ जाओगे उसके बाद आप आजाद हो, कोई आपसे पासपोर्ट नहीं लेने वाला कि हाँ हम आपका पासपोर्ट जब्त करके रखेंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है, तो आप आजाद हैं, आप पोलैंड में आ गए तो आप जहाँ चाहे जा सकते हैं। इन शॉर्ट में मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं, बाकी जो सी इन्फॉर्मेशन होगी वो आप वो एजेंसी वाले प्रोवाइड कर देंगे। और प्लीज़ जो सीरियस लोग हैं वही मैसेज करें यार, मैं तो आप लोगों को रिप्लाई दे देता हूँ फ्री ऑफ कास्ट, वो आपको रिप्लाई फ्री ऑफ कास्ट भी नहीं देती, यहाँ पे कोई नहीं देता, वो तो फिर एजेंसी है। आप लोगों के लिए मैंने आपको एजुकेशन का भी बता दिया, अगर किसी की एजुकेशन इतनी नहीं है वो भी इस वीज़े को हासिल कर सकता है। अगर किसी इंसान की एजुकेशन बहुत अच्छी है उसके लिए और ज़्यादा प्लस पॉइंट है, और जो लोग दुबई, सऊदीया या किसी और कंट्री में बैठे हैं उनके लिए भी प्लस पॉइंट होता है, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है पोलैंड आने के लिए। क्योंकि हमारे जो एशियन लोग हैं वो सिर्फ यही चाहते हैं, चाहे हमारा एक दिन का वीज़ा हो या एक महीने का वीज़ा हो, वो सिर्फ यूरोप में एंट्री करना चाहते हैं। तो जनाब ये जो सी एजेंसी है आपका ये प्रोसेस करेगी, आपके वीज़ा अप्लाई करेगी और ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन करेगी, और इनका रेट वगैरह थोड़ा हाई है, ठीक है, ये मैं आपको बता दूँ ऑफकोर्स, क्योंकि ये एजेंसी कुछ ठीक है, इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, और ये डन बेसिस पे भी करते हैं। अगर डन बेसिस पे करते हैं तो रेट बहुत हाई हो जाएगा। ऑफकोर्स अगर
आप उनको पैसे वगैरह सारे बाद में देना चाहते हो तो उनको भी तो कोई श्योरिटी चाहिए होती है ना। अगर मिसाल के तौर पे वो आपके डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर देते हैं और बाद में आप लोग ही भूल या आप लोग भाग जाते हो क्योंकि यहाँ पे बहुत सिस्टम होता है, तो उनका तो लॉस हो जाएगा ना, उनका तो नुकसान हो जाएगा। तो फिर आप खुद भी देखा करें कि अगर वो इंसान आपसे, वो एजेंसी आपसे कुछ चार्जेस वगैरह ले रही है, ऑफकोर्स वो डॉक्यूमेंट्स बनाने के तो आपसे चार्जेस लेगी ही लेगी, लेकिन अगर आप चाहें तो सारी डन बेस पे भी बात हो सकती है। लेकिन आपको गारंटर वगैरह फिर चाहिए होंगे ताकि जिससे आपका भी नुकसान ना हो और वो भी उनका भी कोई लॉस वगैरह या कोई नुकसान ना हो, क्योंकि दोनों पार्टीज को अपना अपना देखना पड़ता है। आपको एक एडवाइस करूंगा, आप दुनिया में किसी भी एजेंसी के पास अगर जाते हैं ना, आप ठीक है उनको डॉक्यूमेंट्स बनाने की फीस उनको पे कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अमाउंट उनको पे मत करें, ठीक है? क्योंकि अगर ज्यादा अमाउंट पे करते हैं तो यार उनका ना इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अब डन बेस पे बात करें, वो 100 मांगता है 200 दो, 200 मांगता है 300 दो, लेकिन डन बेस पे करो। ये बता दूं, ऑफ कोर्स यूरोप में आप लोगों का फ्यूचर होता है, यूरोप में आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, आपके ठीक ठाक पैसे बन जाते हैं। तो मेरे सब लोगों का हवाब होता है, कभी मेरा भी हवाब था, तो मेरा अल्लाह है ऊपर, उसने मेरा ये भी हवाब कंप्लीट किया था, तो इस वजह से मैं आप लोगों के जज्बात की बहुत कदर भी करता हूँ। और मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, मैं उस एजेंसी का नंबर यहाँ पे पब्लिकली शो नहीं कर सकता क्योंकि मैं उनको प्रमोट वगैरह नहीं कर रहा। अगर मैं उनका नंबर यहाँ पे सबको दिखा दूंगा ना, तो उनको तो पहले तो बहुत कॉल जाती हैं, ठीक है, और उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता और वो फ्री ऑफ कास्ट आपको रिप्लाई भी नहीं देते, ये। और दूसरी बात, अगर मैं उनका नाम लूंगा वो तो सीधी सीधी प्रमोट हो जाएगी और मैं नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं देखूं ये एजेंसी वगैरह इधर उधर, मैं तो लोगों को यही प्रेफर करता हूं कि वो खुद से अप्लाई करें। लेकिन कुछ लोग हैं जो खुद से अप्लाई नहीं करना जानते, जो चाहते ही ये हैं शॉर्टकट लेना, तो ये वीडियो और ये चीज़ उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सलमान ऐसी चीज़ बता दें जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें, कोई ऐसी एजेंसी बता दें जो हमारे यूरोप का वीजे का काम कर सके, तो ये वीडियो उनके लिए। और मैं आपको दोनों रास्ते बताता हूँ, एक वो रास्ता जिस रास्ते से आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं और एक वो रास्ता जो अभी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। और याद रखिएगा, जब मैं आपको उनका नंबर वगैरह सेंड करूँगा और आप उनसे बात करेंगे, उनकी फ़ीस वगैरह भी होती है, और उसके बाद वो आपसे वीडियो कॉल पर बात करेंगे, और ये एजेंसी ठीक भी है, आप इस पर ट्रस्ट भी कर सकते हो। और जब आप वीडियो कॉल पे उनसे बात करते हैं तो आप अपनी हर तरह से तसल्ली करें, हर तरह से क्वेश्चन करें, ठीक है? ये ना सोचें कि हाँ सलमान ने कहा है तो यार मैं इनसे कुछ पूछूं ही ना। नहीं नहीं नहीं, आपका हक है, आपने एक चीज़ पे की हुई है, और आप हर तरह से अपनी तसल्ली करें। और जब आप उनसे बात करते हो वीडियो कॉल पे, तो आपको भी पता चल ही जाता है कि हाँ यार ये किस कैटेगरी के बंदे हैं, ये हमारा वीज़ा का प्रोसेस कर भी सकते हैं या नहीं, तो इस वजह से आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है, तो इससे आपकी तसल्ली भी हो जाती है। तो जो लोग सीरियस हैं वो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको नंबर सेंड कर दूंगा। और जैसा कि मैं आजकल घूम फिर रहा हूँ, इनके यूरो टूर पे हूँ, कभी नेदरलैंड जा रहा हूँ, मुझे माल्टा में भी जाना है, माल्टा में क्योंकि बहुत ज़्यादा फैंस हैं मेरे, वो लोग मुझे कह रहे हैं प्लीज़ आप एक दफ़ा माल्टा का भी चक्कर लगाएं, तो यार टाइम मिला तो ऑफकोर्स मैं माल्टा में ज़रूर आऊँगा। तो ये मैसेज इसलिए मैंने बोल दिया क्योंकि माल्टा से भी बहुत ज़्यादा लोग मुझे प्यार देते हैं, तो जर्मनी और नेदरलैंड में तो ऑफकोर्स मैं घूमते ही फिरता रहता हूँ। तो जी आज के वीडियो में इतना ही, जो लोग सीरियस हैं वही मैसेज करें और अपना बहुत ध्यान रखें, मुझे ऐसे ही प्यार और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए शब बहर और थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, बाय।